अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका स्वागत है सिंपल लाइफ यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम बनाने वाले हैं मसाला एग सैंडविच। उसके लिए यहाँ पर हमने लिए हैं बॉइल्ड एग, ग्रीन चिली और रेड चिली सॉस, चीज़ स्लाइस, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, नमक, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। यहाँ पर हमने टमाटर में से बीज निकाल लिया है और हमने इसको छोटा छोटा स्क्वायर कट कर लिया है। कैप्सिकम, मिर्ची, प्याज और यहाँ पर हमने जिंजर को हमने यहाँ पर अच्छे से कूट लिया है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे सैंडविच की स्टफिंग। इसके लिए हमने 1 टीस्पून तेल लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज, इसको अच्छे से हम फ्राई कर देंगे। हम इसमें कुटा हुआ अदरक और मिर्ची डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी शिमला मिर्च और टमाटर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर और शिमला मिर्च को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। वेजिटेबल सॉफ्ट हो चुकी है, अभी हम डालेंगे इसमें हमारे पाउडर मसाले और इसको अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मसाले जले नहीं इसलिए हमने इसमें पानी डाला है। मसाला अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, अभी हम डालेंगे इसमें हमारे बॉइल्ड, हमने इसको चॉप कर लिया है, अंडे। इसको भी अच्छे से हमारे मसाले के साथ मिला लेंगे। इसको एकदम हल्के से करने का ताकि हमारे अंडे टूट ना जाए। मसाले अभी रेडी है, अभी हम सैंडविच रेडी कर लेंगे। अभी हम सैंडविच रेडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे रेड चिली सॉस। फिर थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, उसके ऊपर डालेंगे हमारा मसाला एग। फिर डालेंगे प्याज, और टमाटर, चीज स्लाइस, दूसरे उस पर हम लगा देंगे ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा रेड चिली सॉस। इसको क्लोज कर देंगे। अभी हम इसे सेक लेंगे। इस पर सबसे पहले डालेंगे बटर, इस पर रख देंगे टोस्ट। अभी हम इसे सैंडविच को ग्रिल कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम मक्खन लगा लेंगे। अभी हम सैंडविच को पलट लेंगे।
मसाले एक सैंडविच रेडी है। अभी हम इसे निकाल के सर्व कर लेंगे। हमारा मसाले एक सैंडविच रेडी है। आप इसे एकदम गरम गरम ही सर्व कीजिए। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।